तो इस वक्त यहाँ पर हैदराबाद में पूरे देश से जो सनीपाजी के फैंस हैं आके जुटे हुए हैं। चलिए उन सबसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और क्यों फैन बने हैं। ये लीजिए, ये सब यहाँ पर जमे हुए हैं। ये ले, क्या नाम है आपका? फारूक। हाँ फारूक जी, कब से फैन है आप, क्या करते हैं? 40 ईयर्स से फैन हूँ। 40 ईयर्स धर्मेंद्र का जी, धर्मेंद्र जी से तब से पूरी देओल फैमिली के फैन है। क्या अच्छा लगता है पूरी फैमिली में? सब अच्छा लगता है, सनीपा जी, धर्मेंद्र और साहब अविडल जो भी है, उनका फैमिली पूरा अच्छा है। अच्छा जी, आपके क्या नाम, क्या आपका? मेरा नाम अहमद है जी। मैं बेंगलुरु में शिवाजी नगर रहता हूँ जी। मैं जो पप्पा जो है शोले फिल्म, वहाँ पर बाजू रामनगर है, रामनगर छोटा बच्चा था जी, जब शूटिंग में कभी जाता था तो वही टाइम पर मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज तक जी। क्या नाम क्या हुआ आपका जी? ये दबाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारा नाम मोहम्मद सैफुल्ला है जी। हम लोग बहुत बड़े, बहुत पुराने फैंस हैं, पापा जी के बहुत पुराने फैंस जी। मेरे पापा जी हजारों में देख के हम लोगों को अंदर बुला के, एक दफ़ा शूटिंग के स्पॉट से अंदर बुला के, शूटिंग की जगह फोटो लिए, उस टाइम को से हमारे दिल के अंदर वो लोग जी, उनका सारा फैमिली, हम लोग फुल फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और हम लोग ऐसे फैंस हैं, सारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे टाइप के फैंस नहीं मिलेंगे जैसे बेंगलुरु में फैंस हैं। हम लोग उनके एक कटआउट के ऊपर करीबन 1 लाख रुपए के गारलैंड डाल देते हैं, और उनकी फैमिली के अंदर बहुत खुले मिले हुए हैं। अभी भी हम लोग उन लोगों के घर में रहते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट से हम लोगों को घर में एंट्री है, और बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। खैर, बॉलीवुड के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, कोई भी इतनी इज्जत नहीं देता जितने धर्म जी और दिल की इज्जत। नहीं, उनको दिल से इज्जत निकलती है, दिल से इज्जत निकलती है, और वो इज्जत के लिए हम लोग उनके लिए ध्यान देने के लिए जी। बिल्कुल। अच्छा, आप आए कैसे हैं बेंगलोर से सर? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बचपन से धर्म जी के फैंस हैं, एल खानदान के फैंस हैं। वो एक्टर कम है, इंसान बहुत अच्छे हैं, उनकी इज्जत हमारे दिल में है। हमारे माँ बाप के बाद, अल्लाह रसूल के बाद, जो हम मानते हैं तो धर्म जी को मानते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद घराटे में मैं अटक गया था जब पापा जी ने मुझे लेके जाके नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट करके, बहुत ये मेरे पीछे नानावटी हॉस्पिटल उधर रखे थे जी। अब मरते दम तक मैं उनका एक एहसान नहीं भुला सकूँगा। और हमने धर्म जी के इतने फैन हैं, उनके वास्ते जान देने के लिए तैयार है। बेंगलुरु फैंस में ऐसा कोई नहीं है जो धर्म जी के खिलाफ जाने वाला। उनके सामने बहुत से एक्टर आए चले गए, लेकिन धर्म जी जो जो मुकाम बनाया मरते दम तक, वो मुकाम कोई और एक्टर नहीं बनाएगा। सनी पाजी का बर्थडे, क्या कहना चाहते हैं सनी पाजी को? सनी पाजी ऐसे इंसान हैं जिसे लग गए गले का हार बन जाएंगे, जिसे दुश्मनी ले लेंगे जहर बन जाएंगे, वो आदत है उनमें। जिसे गले लगा लेंगे उनके लिए जान दे देंगे, जिसे ढक लेंगे फिर उसे गले लगाएंगे, उनकी आदत है। मैं 1970 से धर्म जी का फैन हूँ जी। बस आज तक देर प्रैंक के लिए पहले मेरे को है। अच्छा, ये अच्छा, हाँ हाँ, तब से अब तक, तब से अब तक। तो आज सनी पाजी को स्पेशल विश करने हैं, विश करने हैं। तो सब बस से आए, वहाँ से कैसे? आधे बस में, आधे ट्रेन में। आधे ट्रेन में, आधे बस में। मेरा नाम मलिक फैजल श्रॉफ है जी। एक्चुअली मेरे चाचा बॉलीवुड के डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ, ओके, धर्म जी के साथ जो है छोटा सच बनाए थे जी, रेखा और धर्म जी के। तो मैं बचपन से जो धर्म जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसके बाद सनी देओल का फैन हूँ। सनी देओल को देखने के बाद मैंने अपने जिम डाला। अच्छा। हाँ, मेरा जिम है अटलांटिस फिटनेस स्टेशन, जिसे सनी के फोटो रहती है हमेशा। तो मैं बचपन से जो है सनी और बॉबी का बहुत बड़ा फैन हूँ, स्पेशली धर्म जी का, क्योंकि धर्म जी को देखने के बाद ही मेरे अंदर इंस्पिरेशन आया कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ। अच्छा। आफ्टर सीइंग द घायल मूवी आई बिकेम अ बिग फैन ऑफ सनी देओल एंड केप्ट द जिम। ही इज माय डाई हार्ट फैन, आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ धर्मेंद्र एंड सनी बॉबी देओल। या आई एम फ्रॉम द, आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स अबाउट द धर्मेंद्र फैमिली, दे आर वेरी वेरी नाइस पर्सन्स। Nobody is there in the Bollywood like Dharmendra and Sunny and Bobby. Right. Whenever we go to their home, they'll give the respect. They'll call them. They will call us in at home. They will invite for the dinner, lunch, and all these things. Okay. Wherever we are living in the, I'm actually proper. I'm from Andhra Pradesh, Hyderabad, Kurnool. Yeah. But where is the function is going on regarding Dharmendra, Sunny, Bobby? We'll go there. जब से मैं बचपन से, मेरे एक उनके होश आई, जब से मैं सनी देओल का फैन हूँ। अच्छा। सबसे पहले कौन सी मूवी देखी थी? सबसे पहले बेताब थी ना, बेताब से शुरू करी। धर्म जी का फैंस है, जब से सनी देओल की मूवी आई तब से मैं सनी देओल के, मुझे बैंगलोर में, मेरा नाम अफजल है,
ये बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग मेरे को सनी सनी बुलाते हैं। अच्छा, कहीं भी जाओ मेरे को वही बोलते हैं। ये मजदूर गाता है, गाती है, हवा मिला के उसका हाथ बदल देता है। ये मेहनत खून पसीने की कमाई हुई रोजी की। ऐसे कहीं भी जाता हूँ मैं, मेरे को बहुत से लोग है ना सनी सनी पुकारते हैं, क्या मेरे नाम से मेरे को कम बुलाते हैं। अच्छा, सनी के नाम से? सनी के नाम से बहुत। और जो हमारे खानदान जो है उनमें सारे भाई लोग, हमारे बहुत सारे लोग पूरे सनी के फैंस हैं। चेटिया समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजारों में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, दुनिया की किसी बाजारों में नहीं बिकता। मर्द लेके पैदा होता है, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं और जाता है। गजब, बहुत बढ़िया। और उस डायलॉग के अंदर जो सनी पाजी की आंखें हैं, वो सोले में क्या गजब आंखें हैं यार। मतलब वो तो खाली डायलॉग डिलीवरी नहीं, मतलब ऐसा लगता है आंखों से मार डालेंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और जो अभी एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, आज का फिल्म इसी के अंदर जितने भी वो जो सनी के जो साथ में आए थे बच्चे लोग, वो जो फिल्म कर रहे थे, कोई भी वो उनके हीरो जो जो उनके जो डेट में आए थे, वो जो साल में आए थे उससे पहले भी आए थे, आज उनको कोई भी एक के ऊपर के भंडवाल नहीं डाल रहा है। कोई प्रोड्यूसर लोग है ना, कोई भी भंडवाल नहीं डाल रहा है। क्यों बोले तो डालेंगे तो लाश हो जाएगा, डालेंगे तो लाश हो जाएगा। सिर्फ के ये किया है क्या, वो तो इंडियन रामबो सिर्फ सनी डेल इन्हीं के ऊपर पैसे डालते हैं, दूसरों के ऊपर पैसे डालेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। देख लो आप कि वो कितने वो तो हीरो के बेकार बैठे हुए हैं। मतलब उस समय का कौन है जो अभी हीरो का रोल कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा, कोई कोई भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, कोई का विलन का रोल कर रहा है। सही बात है। आज तक हमारे सनी पाजी है ना, आज भी डायरेक्ट में बिल्कुल फंक्शन करते हैं ना, इसके फोटो ये फंक्शन करते हैं ना, ये सारे फोटो से हमारे। अच्छा, इससे बड़े बड़े ये देखिए, डर पे इसके आगे कोई भी हीरो उसको चपा देता है। देखिए पीछे इसका सभी है ना फोटो, ये अंगरक्षक ये सभी है ना, जैसे के एक त्योहार करते हैं ना, ऐसा करते हैं हम लोग इधर, जैसे वो गरीबों का त्योहार बोलते हैं ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडियन हल्क, इंडियन हल्क, यस यस, बॉलीवुड का बादशाह और खुले दिल का इंसान, इंसान और एक्शन किंग, एक्शन का बाप, द वन एंड ओनली मिस्टर सनी देओल। हजारों लोग आए और चले गए, आज तक सनी देओल 68 इयर्स में भी आज भी सुपरस्टार थे, सुपरस्टार हैं, और सुपरस्टार कई आए और गए, चले गए, मगर सनी जो बाजी जो करते हैं वो लोगों के दिल में है। अभी हम लोग बैंगलोर से आए, इतने लोग तो इनकी से है, से आप लोग ग्रुप बैंगलोर से है, सोलापुर, ऑल इंडिया फैंस बहुत बहुत दूर से आते हैं, जैसे कि उनके बेटे पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उनका जो प्यार है वो खींच लाता है इसी हिसाब से। तो छोटा बच्चा भी आज है ना 68 इयर्स में सनी पाजी का फैन है बिल्कुल, और मेन हीरो का लीडिंग कर रहे हैं, जिनके उनके साथ बहुत सारे एक्टर आए, अनिल कपूर, जैकी शेरी, कोई सभी है, आज सभी साइड हो रहे हैं, मगर आज भी सनी पाजी 68 ओवर में सिंगर सिंगल हीरो का रोल कर रहे हैं। काजल चलाना नहीं बोला, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके चमन में ऐसे दिलेर पैदा होते हैं, उनका नाम सिर्फ सनी देओल, सनी पाजी है। सनी पाजी, हाँ जी, आप बहुत बताए। आज सनी पाजी का बर्थडे है, हम बैंगलोर से सब पूरे, हमारे भाई लोग सब पूरे हैं, आज इनको जन्मदिन हमें करेंगे, फंक्शन करेंगे, सब पूरे मिलकर आए हैं, एक उनको बधाई देने के लिए बैंगलोर से सब पूरे मिलकर जोड़ में आए हैं। मैं धर्म जी का फैन हूँ, धर्म जी को बहुत पसंद करता हूँ और हमें भी वो पसंद करते हैं। हाँ, हम लोग क्या है, दिन रात उसके पीछे बहुत मेहनत किए, मार खाए, बाप से मार खाए, लोगों से मार खाए, हम छोड़े नहीं धर्मेंद्र को, और वो ऐसे बच्चे कहीं भी नहीं जैसे धर्मेंद्र के बेटे ना, तो क्या है वो उनसे हमें ये है, तो हम लोग उसको छोड़ते नहीं, उनकी उनका प्यार है हमें कभी भी रहेगा, और क्या बोलो, उनकी तारीफ कितना किया तो भी कम है। क्या है, बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद।